अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चलो अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको देखना है, फिर देखना है क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, हमको दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, सेम ऊपर वाले कंडीशन की तरह। फंक्शन तो दिया है, एक कंडीशन होगा विदाउट जीरो और एक कंडीशन होगा जीरो वाला, ठीक है, जिसमें एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। एक में जब एक्स और वाई जीरो जीरो के बराबर होगा तो फंक्शन जीरो होगा। उस कंडीशन में हमको दिखाना है, क्या दिखाना है, कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स कंटिन्यूस नहीं है। एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट जीरो जीरो और एफ वाई एक्स ऑन पॉइंट जीरो जीरो, ये दोनों मेरा कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा दिखाना है, ठीक है। और कुछ दिखाना है? हाँ, और है कि एफ एक्स वाई जीरो जीरो पे इक्वल टू एफ वाई एक्स जीरो जीरो पे, इस दोनों को इक्वल भी दिखाना है। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी वाला कर लेंगे, उसके बाद इक्वल पे चलेंगे, ठीक। अब ध्यानपूर्वक समझना, चूँकि फंक्शन मेरा एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई फंक्शन का जीरो जीरो पॉइंट पर कंटिन्यूस दिखाना है, तो जीरो जीरो पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू देखेंगे, फिर आर्बिट्रेरी पॉइंट को एक्स वाई को, जो एक्स वाई पर फंक्शन का वैल्यू होगा उसको जीरो जीरो के करीब लेके आएंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, इसको करीब लेके आए। अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूस है, डज नॉट इक्वल टू तो डिसकंटिन्यूस है। इसके लिए हमको ये टर्म तो निकालना होगा, एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट एक्स वाई, ये कैसे होगा? इसका मतलब होता है पहले y के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर x के रिस्पेक्ट में हुआ, तो फंक्शन को पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तब जा कर के हमारा जो है ये कंडीशन कंप्लीट होगा। सेम इसी तरह एफ वाई एक्स के लिए भी करना पड़ेगा, एफ वाई एक्स के लिए फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, तब जाकर के हमारा एफ वाई एक्स आएगा। तो पहले इस दोनों का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, चूँकि फंक्शन दिया हुआ है हमको, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो जो x वाला टर्म है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है जी। ये मेरा u इंटू v पे टूटेगा, u डैश v, तो 2y v log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस u v डैश log x का 1 बटे x इंटू, फिर से इसका डिफ्रेंशिएट 2y, तो ये और ये कैंसल, 2y कॉमन ले लिए, यहाँ ये टर्म बचा log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। अब 2y है यहाँ पर, अच्छा जी, हो गया। अब हम लोग सिमिलरली fx भी निकालेंगे, सिमिलरली fx का वैल्यू क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ x, सिंपल सा। देखो, मेरा एफ एक्स और एफ वाई दोनों निकल चुका है, ये दोनों निकल चुका है। अब हमको एफ एक्स वाई निकालना है, इसको हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, जिससे मेरा एफ वाई एक्स निकल जाएगा, ठीक। डेरिवेटिव करो, अब चूंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट इसको हुबहू लिख लो। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ वाई स्क्वायर इंटू टू वाई प्लस 1 जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखो, 2 टू जा 4 एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन हमको एफ एक्स वाई निकालना है, तो सिमिलरली एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट एक्स वाई, जहाँ एक्स है वहाँ वाई पुट करो, जहाँ वाई है वहाँ एक्स पुट करो, सेम वैल्यू निकलेगा, मेरा एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, ये तो टर्म निकल जाएगा, इस टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो बटे h,
यहाँ पर 0 0 पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू एफ वाई, और चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स में चेंज हुआ, हमको ये निकालना पड़ेगा एफ वाई 0 0, और नेक्स्ट एफ एक्स 0 0 भी निकालना होगा। तो निकालते हैं एफ एक्स 0 0 पॉइंट, फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू 0, चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, एच कोमा 0। अच्छा जी, चेंज तो हो गया, एच से 0 हुआ एंड एफ 0 0 का वैल्यू 0। फंक्शन में फंक्शन को लिख लो, कम से कम फंक्शन को लिखना क्यों, यहाँ मेरे पास फंक्शन का पूरा किताब ही है। चलो, इसने बारी बारी से x के जगह पर h और y के जगह पर 0 पुट करो, तो h स्क्वायर log h स्क्वायर, y का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये h और ये h कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर है ना, तो एक एच बचेगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच लॉग एच स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं लॉग 0 डिफाइन नहीं होता, जैसे ही एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ एच का मान इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, एच 0 के करीब ले जा रहे हैं। जब इक्वल टू 0 होगा, यहाँ लॉग 0 होगा, तब ना नन डिफाइन होगा, अभी तो 0 को सिर्फ टेंस कर रहा है, इसका मतलब लॉग एच स्क्वायर ये मेरा डिफाइन होगा, क्या होगा, ये डिफाइन होगा, ये 0 है, लॉग 0 नहीं है, एच को 0 के करीब की है, और एच का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक, एंड एफ एक्स 0 0 0 निकल गया, अब एफ वाई 0 0 भी निकाल लें या फिर सिमिलरली कर लें, क्या करें, निकाल लेते हैं एफ वाई 0 0 लिमिट के टेंस टू 0 बटे के एफ 0 0 एफ 0 k, यहाँ के है ना। ठीक, अब देखो इसका वैल्यू 0 है, अब जहाँ जहाँ देखो फंक्शन को देखो, जहाँ x है वहाँ 0 पुट करो, जहाँ y है वहाँ k पुट करो, 0 प्लस k स्क्वायर इंटू लॉग k स्क्वायर लिमिट k टेंस टू 0 बटे के, इस k से ये कैंसिल होगा तो यहाँ सिर्फ k बचेगा, तो लिमिट k टेंस टू 0 k लॉग k स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो डिफाइन होगा बिकॉज log k डिफाइन है, क्यों डिफाइन है, क्योंकि k डज नॉट इक्वल टू 0, k 0 के करीब हो रहा है। ठीक, ये आपका 0 निकल गया, दोनों का वैल्यू 0 निकला, हो गया। अब अपना कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन था, कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन था सिंपल सा, इस टर्म को एक्स वाई को 0 0 के करीब ले जाना था, तो करते हैं लिमिट फॉर कंटिन्यूटी, यहाँ लिख लो फॉर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, दिखा, ठीक है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई 0 0 ऐसे, सॉरी x 0 है, x y है यार, लिमिट x y टेंस टू 0 0। अब एफ एक्स वाई क्या निकाले थे, यहाँ पुट करो 4xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, तो लिमिट y का वैल्यू एम एक्स पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ तो टोटल टर्म x के फॉर्म में बचा तो x टेंस टू 0, 4mx स्क्वायर बटे x स्क्वायर को मान लिए तो 1 प्लस m स्क्वायर, ये कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो कोई x का टर्म बचा ही नहीं, तो 4m बटे 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका तो वैल्यू निकाल लिए, अब हमको fxy 0 0 निकालना होगा, fxy 0 0 निकाले हैं नहीं निकाले हैं, तो निकालो fxy 0 0, तो लिमिट x के रिस्पेक्ट में है एच टेंस टू 0 बटे एच 0 0 एफ वाई माइनस, सिर्फ h में चेंज आएगा तो एच 0 एफ वाई, एफ वाई 0 0 निकाल चुके हैं, क्या निकला 0 निकला, और एफ वाई एच 0 एफ वाई यहाँ है
एच कोमा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो दिया, टोटल जीरो हो गया बटे एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये भी आपका जीरो निकला, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, देयरफॉर एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस। सिमिलरली एफ वाई एक्स इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, हमको निकालना क्या था इसके बाद, हमको एफ एक्स वाई जीरो जीरो और एफ वाई एक्स जीरो जीरो निकालना था। एफ एक्स वाई जीरो जीरो निकाल चुके हैं, जीरो है, और सिर्फ एफ वाई एक्स ही निकालना है ना, निकाल देते हैं। अगेन नाउ अगेन, चूंकि एफ एक्स वाई निकाल लेते हैं ना, जब एफ एक्स वाई जीरो जीरो निकाल चुके हैं, ये जीरो है, अब हमको एफ वाई एक्स जीरो जीरो पॉइंट पर निकालना है, तो लिमिट y के रिस्पेक्ट में k टेंस टू जीरो बटे k, पॉइंट है जीरो जीरो, फंक्शन का वैल्यू माइनस एफ एक्स y के रिस्पेक्ट में जीरो k, y कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, देखो k से जीरो हो रहा है। हाँ जी, आगे एफ एक्स जीरो जीरो का वैल्यू निकाले थे, हाँ जीरो निकला था, माइनस एफ एक्स जीरो को मके, एफ एक्स ये है, इसमें x का वैल्यू जीरो थी, टोटल जीरो हो गया, ये भी आपका जीरो निकल गया। लिमिट k टेंस टू जीरो, ये आपका होल जीरो निकला, इसका मतलब हो गया ये दोनों आपस में बराबर है, एफ एक्स वाई जीरो जीरो इक्वल टू एफ वाई एक्स जीरो जीरो, प्रूफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।